हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है। कई बार व्यक्ति कर्ज को जल्दी चुकाने की इच्छा भी रखता है, लेकिन कर्ज का अंत नहीं हो पाता है। कर्ज के लेन देन में दिनों का बड़ा विशेष महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से कर्ज लेना पड़ जाए तो दिन देख कर कर्ज लेना ज्यादा उचित होता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन हमें कर्ज लेना चाहिए और किस दिन उधार हमें नहीं देना चाहिए। सोमवार की अधिष्ठाता देवी पार्वती हैं। यह चर संज्ञक और शुभ वार है। इस वार को किसी भी प्रकार का कर्ज लेने देने में हानि नहीं होती है। मंगलवार के देवता कार्तिकेय हैं। यह उग्र एवं क्रूर वार है। इस वार को कर्ज लेना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इस दिन कर्ज लेने के बजाय पुराना कर्ज हो तो चुका देना चाहिए। यह गणेश जी का वार है। इस दिन कर्ज देने से बचना चाहिए। गुरुवार के देवता ब्रह्मा हैं। यह लघु संज्ञक शुभ वार माना जाता है। गुरुवार को किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए, लेकिन इस दिन कर्ज लेने से कर्ज जल्दी उतरता है। शुक्रवार के देवता इंद्र हैं। यह मृदु संज्ञक और सौम्य वार है। यह कर्ज लेने और देने दोनों ही दृष्टि से अच्छा दिन माना जाता है। शनिवार के देवता काल है। यह दारुण संज्ञक क्रूर वार है। स्थिर कार्य करने के लिए ठीक है, परंतु कर्ज लेने देने के लिए ठीक नहीं माना जाता है। कर्ज विलंब से चुकता है। रविवार के देवता शिव जी है। यह स्थिर संज्ञक और क्रूर वार है। रविवार को ना तो कर्ज दे और ना ही कर्ज लें। कर्ज के पिंड से छुटकारा अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के सम्मुख 3 बार ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत्र का पाठ करें और यथाशक्ति पूजन करें। ऐसा करने से आप कर्ज मुक्त शीघ्र हो जाएंगे।